वेलकम बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और आपकी परीक्षा जो पाइथन की है 10 तारीख शेड्यूल्ड है, 10 जुलाई को 2023। तो बच्चों, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लेकर आए हैं, उम्मीद के साथ कि ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे पेपर में, ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस, कुछ कह सकते हैं तैयारी बेहतर हो सके। तो आइए बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न आपके सामने है, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। पाइथन किस तरह की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, या सारी? तो बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आश्चर्य होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, पाइथन प्रोग्रामिंग की हर वो विधा यानी तरीके का प्रयोग करता है जो आजकल पॉपुलर है, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, जिसमें स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग भी है, जिसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी है, जिसमें सभी कुछ है, यानी ऑल ऑफ द मेंशन। तो बच्चों, ये पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या लगाएंगे आप? पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बच्चों रहेगा, क्या रहेगा? डी रहेगा, ऑल ऑफ द मेंशन। बड़ा अच्छा पेपर है बच्चों। इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स? क्या पाइथन आइडेंटिफायर्स किन्हें कहते हैं? पहले बच्चों ये समझ लीजिए, कोई वेरिएबल्स, कोई फंक्शन का नाम है ना, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, सब क्या है? आइडेंटिफायर कहलाता है। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पहचान को बच्चों स्थापित करता हो, उसे पाइथन में आइडेंटिफायर कहते हैं। तो बताइए, क्या पाइथन में आइडेंटिफायर को डील करने के समय पाइथन केस सेंसिटिव है? यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाइथन में आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। आप वेरिएबल कैपिटल में बनाओ, आप स्मॉल में बनाओ, आप वेरिएबल को कैपिटल में क्रिएट कीजिए, आप स्मॉल में क्रिएट कीजिए बच्चों, दोनों का मतलब पाइथन क्या लेता है? दोनों का मतलब पाइथन अलग लेता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन, सारे कीवर्ड्स पाइथन में हैं, कैपिटलाइज्ड हैं, लोअर केस में है, अपर केस में है, या नन। तो देखो बड़ा ये थोड़ा सा अजीबोगरीब प्रश्न है, मैं आपको क्लियर बता दूं, पाइथन में बच्चों वेरिएबल सारे ना कैपिटल हैं, ना सारे स्मॉल हैं, ना सारे अपर केस में हैं, कुछ कैपिटल हैं, कुछ स्मॉल हैं। अब जैसे तुम्हारा ट्रू, ट्रू का टी कैपिटल है, बाकी आर यू ई स्मॉल है। तो इसलिए इस उत्तर का, इस प्रश्न का प्रचुर में, या कहें तो सही उत्तर होगा आपका, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बच्चों डी होगा, तीसरे का डी। What will be the value of following Python expression? निम्न Python expression का मान क्या होगा? 4 + 3 modulus 5। कोई बता सकता है आप में से बच्चों? क्यों भाई? चार प्लस तीन मॉडुलस 5। तो बच्चों देखिए, ये जो 4 + 3 modulus 5 है, इसमें प्लस और मॉडुलस दो ऑपरेटर हैं, जिसमें मॉडुलस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो 3 का मॉडुलस 5 से लोगे, 0 बार जाएगा 3 आएगा, और 3 और 4 जब जुड़ेगा बच्चों, तो आंसर तुम्हारा 7 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए है बच्चों, दिख रहा है आपको? ये देख लीजिए, मैंने चेंज कर दिया कलर ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए बच्चों। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज? पाइथन में ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो बच्चों इंडेंटेशन का यूज करते हैं पाइथन। ये देखिए, ब्रैकेट्स का यूज सी में करते हैं, जावा में करते हैं, की का यूज करते नहीं, ऑल ऑफ द मेंशन्ड होगा नहीं।
इसका सही उत्तर आप लगाएंगे चौथे पांचवे का ए, इंडेंटेशन। इसमें से कौन सा वेरिएबल आपका अमान्य है, अमान्य चर, वेरिएबल को चर कहा जाता है, इनवैलिड होगा। माई स्ट्रिंग, माई अंडर स्कोर स्ट्रिंग अंडर स्कोर वन, टू पहला भी सही है, ए सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। बच्चों वेरिएबल के नाम की शुरुआत में कभी भी डिजिट नहीं हो सकता, तो इसलिए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सातवां, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। आई का मान वन है, ठीक है, वाइल ट्रू इनफाइनाइट लूप चलेगा, और अगर आई का मॉडुलस तीन से लिया जाए तो ब्रेक हो जाएगा, और आपका प्रिंट क्या करेगा, ये आई को। तो बताइए बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सेवेंथ का करेक्ट आंसर क्या होगा, कोई आप में से इसका करेक्ट आंसर बता सकता है। वाइल के साथ आपने इनफाइनाइट लूप बनाया है, वाइल के साथ आपने इनफाइनाइट लूप बनाया है वाइल ट्रू, और कहा इफ आई मॉडुलस तीन बराबर जीरो, तो देखिए आई तो बल ही नहीं रहा है, आपका आई तो इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि तो इसका आंसर क्या आएगा, वन टू थ्री बच्चों आएगा नहीं, तो वन टू भी नहीं आएगा, इसका सही आंसर आपका आएगा एरर, और वो भी प्रॉब्लम इंडेंटेशन की है यहां। चलिए आगे बढ़ता हूं। पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग ए कंस्ट्रक्ट कॉल्ड। बताइए एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, ये वन लाइन वर्जन होते हैं, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं होते हैं, इनको आप डायरेक्ट कॉल भी नहीं कर सकते हो, एक ही लाइन में डेफिनेशन होती है। तो बच्चों लैम्डा वो कीवर्ड है आठवें का सी, जिसकी मदद से आप एनोनिमस फंक्शंस को बच्चों क्रिएट कर सकते हैं। लैम्डा के बाद नवे नंबर प्रश्न की ओर लेता हूं अब आपको। ये देखिए, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। ये देखिए तीन एक्सप्रेशन है अलग अलग, देख रहे हैं आप, आपके तीन अलग अलग एक्सप्रेशन दिए हैं, इनका मान क्या होगा, एक एक करके देखने की कोशिश करिएगा। प्रश्न नंबर नवा है आपका बच्चों, तो पहले में क्या होगा, तीन की पावर, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा ना, ये वाला, तो तीन की एक्सपोनेंट टू, नाइन होगा, और टू की एक्सपोनेंट नाइन क्या होगा, टू एक्सपोनेंट नाइन, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस, सौ चौसठ, एक सौ अट्ठाईस, दो सौ छप्पन, पांच सौ बारह। पहले वाले का तो हो गया पांच सौ बारह, आप दूसरे का देखिए, टू की पावर थ्री, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो दो दुनी चार दुनी आठ, और आठ अठाई चौसठ, ये होगा। और तीसरे वाले का क्या होगा, एक्सपोनेंट सॉल्व होगा लेकिन राइट टू लेफ्ट होगा, तो तीन की एक्सपोनेंट दो नौ होता है, और नौ दो की एक्सपोनेंट नाइन, पांच सौ बारह। बच्चों ये ए होगा इसका। दसवें प्रश्न की ओर आता हूं।
Which of the following Python? Which of the following Python is the truncation division operator in Python? ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर जिसको फ्लो डिवीजन भी बच्चों कहते हैं, तो इसका सही उत्तर आपको देना है दसवीं का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन? 11वां प्रश्न, आईडी फंक्शन का पाइथन में क्या रोल है? एवरी ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव अ यूनिक आईडी, फॉल्स, ऑल होगा नहीं, नन होगा नहीं। बच्चों इसका आंसर होगा आपका आईडी। आईडी रिटर्न्स द, ये देखिए बी। तो 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी कि आईडी फंक्शन क्या रिटर्न करता है? आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम कैन वर्क विथ पैरामीटर्स। एनी नंबर ऑफ, देखिए यहां पर बच्चों आप देख रहे होंगे एक फंक्शन बना है F1 जिसमें एस्ट्रिक ARGS और डबल एस्ट्रिक ये सब वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट के एग्जांपल होते हैं, आपको पढ़ाया भी था मैंने। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या लगाइएगा? 12वें का ए, जिसमें सिंगल एस्ट्रिक को कहा जाता है कीवर्ड लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट और डबल एस्ट्रिक को कहते हैं KW लिस्ट, जिसको कहा जाता है कि डिक्शनरी पास करनी है पाइथन में। तो बच्चों वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट, कीवर्ड लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट, तो यहां एनी नंबर होगा। 13वें प्रश्न पे लेता हूं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन? x एक वेरिएबल है जिसका मान 56.236 है और आप प्रिंट करा रहे हैं x को 0.2f से। 13वां, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, ये 0.2f बताता है कि दशमलव के बाद दो फ्लोट प्रिसीजन लेना है, 56.24 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज इज द डेफिनेशन फॉर पैकेजेस इन पाइथन? पाइथन को कैसे डिफाइन करोगे? पाइथन ए सेट ऑफ मेन मॉड्यूल, ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल, ए नंबर ऑफ फाइल्स कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशंस एंड स्टेटमेंट्स, या सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो देखिए भैया मॉड्यूल क्या होता है, पैकेज क्या होता है? बच्चों पैकेज कलेक्शन, देखिए इंस्ट्रक्शन सेट होता है प्रोग्राम का, ठीक है ना, मॉड्यूल सेट होता है फंक्शन का, और पैकेज कलेक्शन होता है किसका? मॉड्यूल्स का। तो बस इसका बी आंसर लगाइएगा आप लोग। 14वें का करेक्ट आंसर बी होगा बच्चों। इसका आउटपुट क्या होगा? 1, 2, 3, 4 और -1 से इसको प्रिंट करा रहे हैं। 15वां प्रश्न बच्चों, रिवर्स आएगा बच्चों, देख लीजिए, ना स्टार्ट बताया ना एंड बताया और -1, तो ये क्या करेगा? 1, 2, 3, 4 की जगह आपको दे देगा 4, 3, 2, 1। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट? ए प्लस बी सी जुड़कर क्या बनेगा बोलिए? ए बी सी, ए जुड़ेगा और बी सी जुड़ेगा, तो दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? स्ट्रिंग को आप जोड़ने की कोशिश करें तो कॉन्केटिनेट होता है, आपको मालूम है। विच फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन फॉलोइंग पाइथन इज एग्जीक्यूटेड? एफ बराबर फू फंक्शन, फॉर्मेट एफ, F बराबर फू फंक्शन और फॉर्मेट F।
बताइए 17वें का क्या आंसर होगा बच्चों। सत्रहवें का करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा सी। अठारहवें प्रश्न पे लेता हूं मैं आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज? पास, इवेल, एसर्ड, नॉन लोकल। तो बच्चों आप ये देख लो कि पाइथन में पास, एसर्ट और नॉन लोकल तीनों कीवर्ड हैं। इवेल आपका बच्चों फंक्शन है ना कि कीवर्ड, तो इसलिए 18वें का बी होगा। विच मॉड्यूल इन द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पार्सेस ऑप्शंस रिसीव्ड फ्रॉम कमांड लाइन? पाइथन में वो कौन सा लाइब्रेरी है जो कि चेक करता है कमांड लाइन से जो आप भेजते हैं, यानी प्रॉम्प्ट से जब आप टाइप करते हैं? तो बच्चों इसका आंसर होगा गेट ओपीटी। ये आपका क्या है, गेट ओपीटी, कह सकते हो कमांड लाइन के आर्गुमेंट को रिसीव करके उसकी जांच करता है, पार्सिंग करता है। व्हाट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैनॉट बी यूज्ड विथ स्ट्रिंग्स इन पाइथन? गुणा और प्लस तो किया जा सकता है, माइनस का कोई रोल नहीं। ये करोगे जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे रिपीट होता है। 21वें प्रश्न की ओर आता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एम्प्टी सेट इन पाइथन? बच्चों एम्प्टी सेट बनाना है तो ये नहीं है टपल है, ये नहीं है लिस्ट है, ये नहीं है डिक्शनरी है। चौथा इसका करेक्ट आंसर होगा सेट फंक्शन से बनेगा। टू एड ए न्यू एलिमेंट इन लिस्ट वी यूज कौन सा पाइथन कमांड एड करेंगे? तो बच्चों लिस्ट एड इंड होता नहीं, एड लास्ट होता नहीं, एड होता नहीं, लिस्ट में नहीं चलता है, एड चलता है सेट में। तो बच्चों 22वें का करेक्ट आंसर होगा आपका सी। 23वें प्रश्न की ओर आता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन? Functions don't provide better modularity. You can also create your own function. Functions are reusable piece of program. 23वें का क्या उत्तर आपके हिसाब से होगा? तो बच्चों आपका सबसे अच्छा उपयोग है सी, कि functions reusable piece होते हैं किसके, आपके प्रोग्राम। What is the maximum possible length of an identifier in Python? कुछ नहीं होता ऐसा, कोई कहीं नहीं लिखा। 79, 31, 63 सब गलत है, इसका आंसर लगाइएगा चौथा डी, none of the mentioned. 25वें प्रश्न पे आते हैं बच्चों। What will be the output of the following Python program? इस Python program का output क्या होगा? I का मान 0 है, while I less than 5, यानी 0 से 5 से छोटा 4 तक जाना चाहिए। आई को प्रिंट करा रहे हैं, आई प्लस 1 भी करा रहे हैं, और आई का मान 3 हो तो ब्रेक भी करने को कह रहे हैं, यानी 0, 1, 2 के बाद और फिर 0 भी प्रिंट करा रहे हैं। तो आई थिंक 25वें का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए भाई। 0, 1, 2, जैसे आई का मान 3 होगा आपका लूप ब्रेक कर जाएगा और फिर एल्स में आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, 0। तो बच्चों बी आना चाहिए इसका। फॉलोइंग पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? एक्स पर एबीसीडी है, एक स्ट्रिंग है लेन एक्स, तो ये कहां से चलेगा? तो आपका लेन एक्स यानी 4 से छोटा 3, तो 0, 1, 2, 3 होना चाहिए बच्चों। 26वें का करेक्ट आंसर डी आएगा। क्यों डी आएगा? क्योंकि लेन जो आएगा वो एक्स का मान 4 आएगा और 4 से कम यानी 3 तक चलेगा, तो 0, 1, 2, 3 प्रिंट करेगा। 27वें नंबर प्रश्न पे लेता हूं। इसमें से पाइथन का टपल कौन है? तो भैया टपल स्टैंडर्ड ब्रैकेट से बनता है, आप जानते हैं, डी होगा। इस कोड का आउटपुट क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित कोड? जेड बराबर सेट,
फंक्शन में ए बी सी डॉलर डी ई। 28वां, और आगे दिया है ए इन जेड, कोई आउटपुट नहीं होगा, नो आउटपुट, कोई प्रिंट तो कराया नहीं है। 29वां प्रश्न क्या कहता है बच्चों, निम्नलिखित पाइथन एक्सप्रेशन का आउटपुट बताइए। राउंड 4.576 बताओ भाई, 4.5, पांच आपका जो जीरो पोजीशन पे है वो पांच या पांच से ज्यादा है तो ये बढ़कर पांच हो जाएगा बच्चों, राउंड आपने जरूर यूज किया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ पाइथन डॉक स्ट्रिंग। पाइथन डॉक स्ट्रिंग कलेक्शन होता है डिटेल्स का, समरी का। पाइथन ऑल फंक्शन शुड हैव ए डॉक स्ट्रिंग, यस डॉक स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड, इट प्रोवाइड्स कन्वीनियंट वे ऑफ एसोसिएटिंग डॉक्यूमेंटेशन विद पाइथन, यस एवरीथिंग इज करेक्ट फॉर दिस। सारी बातें बच्चों डॉक स्ट्रिंग से रिलेटेड आपकी सही हैं, तो डी लगाइएगा। इसका आउटपुट क्या होगा, प्रिंट हेलो जीरो ब्रैकेट में जीरो एंड जीरो वन फॉर्मेट फू बिन, इसका आंसर क्या होगा बच्चों। जीरो के बाद ब्रैकेट में जीरो कहा है, इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर तुम्हारा 31, ए बी होगा नहीं सी होगा बच्चों इसका आंसर, हेलो फू एंड बिन। ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट मेथड का कमाल है। यहां पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जीरोथ पोजीशन पर फू है तो हेलो के बाद फू प्रिंट होगा, और वनथ पोजीशन पे बिन है तो एंड के बाद बिन प्रिंट होगा। ओके, 31वें का सी करेक्ट कीजिएगा बच्चों। 32 नंबर पे आता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ऑफ आईडी फंक्शन। आईडी फंक्शन का बता चुका हूं, इसका बी आंसर होगा, आइडेंटिटी रिटर्न करता है। पिकलिंग इन पाइथन इंक्लूड्स, पिकलिंग में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की इनटू बाइट स्ट्रीम, कन्वर्जन ऑफ ए डेटा टेबल इनटू लिस्ट, कन्वर्जन ऑफ ए बाइट स्ट्रीम इनटू पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की, या कन्वर्जन ऑफ ए लिस्ट इनटू ए डेटा टेबल। तो बच्चों प्रोसेस ऑफ पिकलिंग का ए होगा। पिकलिंग आपका यूज किया जाता है कब, बाइनरी फाइल ऑपरेशन में, आपको पढ़ाया है मैंने। What will be the output of the following Python code? 34 number. Try and finally, k is equal to foo function आपने call किया। Foo call होगा, try के अंदर क्या है? सीधे से return one करेगा बच्चों, d आएगा सीधा, इसमें कुछ दिमाग मत लगाइएगा। बहुत अच्छा question था। Why are local variables name begins with an underscore is discourage? क्यों हम लोग जो वेरिएबल बनाते हैं उसके नाम की शुरुआत में अंडरस्कोर को डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि 35वें नंबर प्रश्न की बात करोगे, दे आर यूज टू इंडिकेट ए प्राइवेट वेरिएबल। क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि वो क्लास के क्या है, प्राइवेट वेरिएबल है, इसीलिए इनकरेज नहीं किया जाता। Which of the following is a true for variable names? Undefined length, all private members must leading underscores, underscores and ampersand are only two special characters allowed. 36वें का मेरा ख्याल है करेक्ट उत्तर होगा सिर्फ ए, कि पाइथन में वेरिएबल के नाम की जो लेंथ होती है वो कुछ नहीं होती। इनमें से कौन सा इनवैलिड है,
एबीसी पहला 37 का पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। दूसरे में ए बी सी तीन स्पेस दिए वेरिएबल में जो कि अलाउड नहीं है। इस तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वेरिएबल, इसमें से कौन वेरिएबल नहीं हो सकता, इट हो सकता है, ऑन हो सकता है, इनिट हो सकता है, इन नहीं हो सकता, इन आपका कीवर्ड होता है बच्चों, इन और नॉट इन पाइथन के कीवर्ड है। कौन सा करेक्ट ऑपरेटर है पावर का, ये है यक्स डबल एस्ट्रिक वाई, तो 39 का बी होगा बच्चों। फ्लोर डिवीजन क्या होता है, तो बी होता है आप जानते हैं, जो आउटपुट देता है दशमलव छोड़ देता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होगा, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फिर एडिशन। तो बच्चों 41 नंबर का मेरा ख्याल है इसका सही उत्तर ए ही है, जो क्रम दिया है वही होता भी है। देख रहे हैं आप, ध्यान से देख लीजिए। ऑपरेटर्स विद सेम प्रेसिडेंस आर इवेल्युएटेड इन विच मैनर, लेफ्ट टू राइट भी होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, इसको एसोसिएटिविटी कहते हैं। फिलहाल कुछ नहीं होता तो लेफ्ट टू राइट होता है, बाय डिफॉल्ट जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है बच्चों। इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा, एक की पावर तीन, तीन ही एक की पावर तीन, एक कम एक ही होता है और तीन एक कम तीन ही होता है, तो 43 का सी होगा बच्चों। Which one of the following has the same precedence level? किसका भैया सेम होगा 44 नंबर प्रश्न का, ए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सेम है, लेकिन मैच केवल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से हुआ। हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, बच्चों याद कर लो कई बार आया है, एक्सपोनेंशियल का होता है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए कोर डेटा टाइप, कोर डेटा टाइप कौन नहीं है, लिस्ट नहीं है, टपल्स नहीं है, डिक्शनरी नहीं है या क्लास नहीं है, तो बच्चों बाकी सब तो है क्लास, कोर डेटा टाइप नहीं है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिसको हम लोग अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। Given a function that does not return any value, what value is thrown by default when execution cell? None. कोई value वो return नहीं करेगा बच्चों, इसका answer आप D लगाएंगे। Which of the following will run without errors? 49 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए होगा, ये वाला एकदम सही है, इसमें किसी तरह का कोई 45.8 करोगे 46 दे देगा राउंड। जब आप एग्जीक्यूट करेंगे इस कोड को तो क्या एरर आएगी, एप्पल बराबर मैंगो, सिंटैक्स एरर, नेम एरर, टाइप एरर, वैल्यू एरर। बेटा मेरा ख्याल है इसका एरर नेम एरर आएगी, क्योंकि एप्पल बराबर मैंगो, मैंगो में तुमने डबल कोट्स दिया नहीं है, तो वो सोचेगा कि मैंगो कोई वेरिएबल है और वेरिएबल तुमने बनाया नहीं है, तो इसलिए ये नेम एरर आपकी बच्चों आएगी। तो इस प्रकार से बच्चों आपके लिए एक बड़ा ही शानदार पेपर का कलेक्शन समाप्त होता है, और भी इस तरह के पेपर्स के साथ मैं आपके सामने मिलूंगा, तब तक मुझे आप इजाजत दीजिए, मैं नितिन श्रीवास्तव आपसे आज्ञा चाहता हूँ, फिर मिलने के वादे के साथ बच्चों नमस्कार, जय हिंद।